भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण बलराम जी देह त्याग कर देते हैं और सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार है। आइए इस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहली बात जो यह सामने आती है वो यह है कि गांधार गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठर का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए शोक करते हुए महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उसी समय भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशी भाइयों में भी वैर उत्पन्न होगा और उसी से समस्त यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। ऋषियों ने दिया था सांप को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व ऋषि, देवर्षि नारद आदि द्वारका भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे। वहां यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तब विश्वामित्र ऋषि ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का सहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे, बाकी सारे तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा और साथ ही नगर का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो तब वे समझ गए थे विश्वामित्र जी का श्राप कभी खाली नहीं जाता। तभी उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी और तभी से उन्हें खुद का और द्वारका का अर्थ दिखाई दे गया था। इसी वजह से उन्होंने द्वारका नगरी डूबने से पहले अपने लीला समाप्त कर दी थी। यही तो पहले कारण थे द्वारका नगरी के समुद्र में विलीन होने के। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।